कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि इस साल से जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 1 ईयर बीएड का प्रोग्राम शुरू हो गया है। आंसर इज क्लियरली कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। जो एनसीटी के नए नॉर्म्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्लियर कह दिया है कि 2030 तक जो फॉर एग्जांपल बीए बीएड इंटेग्रेटेड या बीएससी बीएड इंटेग्रेटेड, ये इंटेग्रेटेड है, 4 ईयर इंटेग्रेटेड कोर्स है ना, वो वाले टीचर ही एलिजिबल होंगे, जो कि फिजिबल नहीं लगता। बाकी पिछले वाले क्या करेंगे, इसलिए इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात है कि ये कोर्सेज एनसीटी ने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एमिनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इनको ये इंटीग्रेटेड कोर्स देने शुरू किए हैं। प्राइवेट के पास ये नहीं है। अभी इनकी इंस्पेक्शन शुरू हो चुकी है, कोर्स मिल चुके हैं। इस साल से ये कोर्स उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटी में ये अवेलेबल होंगे, इस साल से वो शुरू हो जाने हैं। ठीक, दूसरा 2 साल की बीएड अभी तक वैसे ही कंटिन्यू है, और इसका कोई, जो क्वेश्चन आपने पूछा है, अभी तक कोई इंस्पेक्शन या कोई ऐसा जो एनसीटी की तरफ से नहीं हुआ, कोई खबर भी नहीं मिली। दैट इज़ वाई इस पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। आपका आंसर यही है कि अभी तक इसका ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको 2 साल की बीएड या इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में ही सोचना चाहिए, और केयरफुली, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फेज है और आपके 4 साल जाने हैं। कि आपको कौन सी अच्छी रहेगी, अगर आप क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर भी दे दूंगा। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह लर्टवा।